गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड मैं सर की ट्रेनिंग के बारे में बताना चाहूंगी कि हम लोगों को 21 दिन हो चुके हैं ट्रेनिंग अटेंड करते हुए और 21 दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा सर से, बहुत कुछ सिखाया सर ने, बहुत अलग ट्रेनिंग हम लोगों को मिली, डिफरेंट बिल्कुल, जो अभी तक हम लोगों ने ना किसी से सीखी थी और ना ही कभी इस टाइप की ट्रेनिंग के बारे में कभी हमने सुना था। तो मुझे बहुत इंटरेस्टेड लगी ये ट्रेनिंग। तो इस ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले मैं अश्विनी पावा सर एंड कल्पना मैम का थैंक यू करना चाहूंगी, है ना, कि जो उन्होंने एज अ पेरेंट्स, एक पेरेंट्स की तरह हम लोगों के बारे में सोचा, एक एजुकेशन, डिफरेंट टाइप की एजुकेशन जैसे कि हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं कि जितनी अच्छी हो सके उतनी अच्छी एजुकेशन हम बच्चों को दें, सेम सर और मैम ने भी हमारे लिए वैसे ही सोचा कि हमें एक डिफरेंट टाइप की नॉलेज की जरूरत थी, इस ट्रेनिंग की बहुत जरूरत थी जो सर और मैम ने हमें दिलवाई। एंड बहुत 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 बड़ा थैंक्स करना चाहूंगी भटनागर सर का, जो मतलब इतनी अच्छी ट्रेनिंग लेकर हमारे लिए आए। और पहली ट्रेनिंग 15 दिन की थी लेकिन सर ने एक्सटेंड करी, 21 दिन की करी। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी ट्रेनिंग एक हमारे लिए एक वरदान टाइप की हमारे लिए साबित हुई है। मेरी लाइफ में तो बहुत डिफरेंट, मतलब बहुत चेंजेस आए हैं इस ट्रेनिंग से। और मैं बताना चाहूंगी कि 30 नवंबर से जब ये ट्रेनिंग स्टार्ट हुई तो शुरू के एक दो दिन हमें जब एक तरीका चलता आ रहा है मतलब लाइफस्टाइल में और वो तरीका बिल्कुल चेंज होकर कुछ और सिखाया जाता है तो वो चीज समझने में थोड़ा टाइम लगता है और एकदम से समझ में नहीं आता है, तो उस टाइम पे पेशेंस रखना है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप लोगों ने दो तीन दिन, एक दो दिन समझ में मुझे भी नहीं आया था, बट उसके बाद थर्ड डे में मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। इवन उसके बाद मैंने अपने बेटे की क्लासेस भी स्टार्ट कराई हैं, 4 से 6 मेरे बेटे की क्लासेस होती हैं, क्योंकि जब मुझे समझ में आया, मुझे पसंद आया तो मुझे लगा कि शायद इसमें मुझे मेरे बेटे को भी पार्टिसिपेट कराना चाहिए। तो मेरा बेटा भी इसमें शाम की इवनिंग की क्लासेस देता है और मुझे इस क्लासेस से बहुत अच्छा लगा, बहुत चेंजेस आए और मुझे मेरी लाइफ में जो चेंज आया मैं शेयर करना चाहूंगी कि मुझे इसमें ये लगा कि पहले ऐसा होता था कि जब मैं ट्रेनिंग मीटिंग हो, चाहे घर से रिलेटेड कुछ हो या अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ हो, तो मैं बहुत डरती थी डिसीजन लेने के लिए, किसी भी चीज को फेस करने से बहुत डरती थी कि अगर जैसे मीटिंग से रिलेटेड बोले कि अगर हम लोग मीटिंग करने जाते थे तो मुझे डर लगता था कि पता नहीं क्या रिस्पांस आएगा आगे से, है ना, और चीजों को बहुत पहले से ही इमेजिनेशन करती थी और बहुत सोचती थी। और मोस्टली यही होता है कि हम लोग जब कहीं जाते हैं तो हम लोगों के दिमाग में पॉजिटिव कम आता है और नेगेटिव ज्यादा आता है, तो सर ने उस माइंड सेट को ही चेंज कर दिया है। अब ये होता है कि अब बिल्कुल डर दिमाग से, बिल्कुल मन और दिमाग से बिल्कुल हट चुका है, बट कुछ जो कसर रह चुकी है उस कसर के लिए मैं दोबारा से सर की ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही हूं। और मुझे ये ट्रेनिंग चाहे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड, अपनी एजुकेशन के लिए ले रही हूं सोचिए, या फिर एक आदत जो सर की ट्रेनिंग की बन गई है, सुबह 6 बजे से 8 बजे की जो ट्रेनिंग सर देते थे वो एक आदत, मेरी आदत में शामिल हो चुका है, तो इसलिए उस आदत को ही लेकर समझ लीजिए। चाहे मैं दोबारा से सर की ट्रेनिंग अटेंड कर रही हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखना था सर से, बहुत कुछ सिखा दिया सर ने और अभी आगे बहुत कुछ सीखना भी है, तो इसलिए मैं दोबारा से इस ट्रेनिंग को अटेंड करूंगी। एंड मैं थैंक यू करना चाहूंगी जो सर आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग हमें दी और हमारी लाइफ में आप मतलब अश्विनी सर के थ्रू आए आप, है ना, सर ने आप हमारी लाइफ में आपको भेजा एक अलग टाइप की ट्रेनिंग, हमारी लाइफ चेंज करने के लिए आपने इस ट्रेनिंग को दिया। और मतलब मैं सबसे यही बोलूंगी कि आप इस ट्रेनिंग को जरूर 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 अटेंड कीजिए। अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है, एक अलग तरीके से लाइफ को जीना चाहते हो, तो आप प्लीज इस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड कीजिए। और मैं तो कर रही हूँ और अपनी टीम को भी करवा रही हूँ, मेरी टीम कर रही है, मोस्टली टीम मेरी ही आ रही है सर की मीटिंग में, तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी अपने अप्लायंस का भी और अश्विनी सर आपका, कल्पना मैम आपका और भटनागर सर सर आपका सबसे ज्यादा थैंक्स करना चाहूंगी जो आपने इतनी अच्छी ट्रेनिंग हमें दी। थैंक यू सो मच सर।